हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में 131 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होने वाला है। दोस्तों, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। इतना मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, और ऐसा फ्री में डेली बेसिस प्रैक्टिस कराने वाला कोई नहीं है दोस्तों। तो यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे आपको सभी चैप्टर का सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ाया गया है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और बीपीएससी टीआरई 2 में मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है। 79 वीडियोज है, सभी चैप्टर को, सभी वीडियोज को आप अच्छे से देखिए, और डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, आपका प्रैक्टिस बना रहे, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है 7 जून से 15 जून के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, ऐसा सूचना है। तो दोस्तों, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद अदर स्टेट में भी बहुत सारे वैकेंसीज फिजिकल एजुकेशन के आने वाली होंगी, आने वाला है। तो आपका पहले से प्रैक्टिस तैयारी रहेगा तभी आप उसमें एक सीट अपना ले सकेंगे, इसलिए डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जिसके पास धैर्य होता है उसी को सब कुछ मिलता है दोस्तों। क्योंकि आधे पर छोड़ के जाएंगे, आपके धैर्य में ही कमी है तो आपको कैसे मिल सकता है। धैर्य बना करके कंटिन्यू मेहनत करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ इसी मोटिवेशन के साथ। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों से भी प्राप्त किया कर सकते हैं। तो यहाँ पे विटामिन डी जो होता है वो उसका मुख्य स्रोत होता है, विटामिन डी का, सूर्य की किरणें, ठीक है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, जिसमें कैल्शियम फास्फोरस जैसे चीजें मिलती हैं, जिससे हमारे मसल जो हमारे हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। दोस्तों, आज के 131 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं। इजी क्वेश्चन है एंड इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा कठिन नहीं है आज के क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चंस आप देखिएगा और जो आप अक्सर गलती करते हैं, इजी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थियों के कार्य क्या है। तो अस्थियां क्या करता है, अस्थियों के जो हमारे बॉडी की होती है ये सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुलम, जेजुलम, इलियम। तो सबसे पहले भाग को कहा जाता है डुओडिनम। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है और व्यास 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। लंबाई 6.5 मीटर लंबा यानी 22 फीट लगभग होता है, और जिसमें से सबसे ज्यादा लंबाई आपका होता है इलियम का। जो हमारा डुओडिनम होता है छोटी आंत का पहला भाग 30 सेंटीमीटर, एंड जो जेजुलम होता है 2.6 मीटर, एंड जो इलियम होता है 3.6 मीटर होता है। और छोटी आंत में बिलाई में जो है भोजन का पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक यानी टिश्यू के अध्ययन को जाना जाता है। ऊतक यानी टिश्यू के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत, सॉरी दोस्तों, ऊतक यानी टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, एंड कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉल एंड साकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट यानी गतियां होती हैं। तो बॉल एंड साकेट जोन ऐसा जोड़ है जो हमारे हिप एंड कंधे में पाया जाता है, शोल्डर एंड कंधे में, हिप में। तो इसमें सभी प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमटक्शन, हाइपर एक्सटेंशन। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, लार्जेस्ट मसल्स है यानी सबसे बड़ी मसल्स कौन सी हमारे बॉडी में। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमारे कुल्हे में पाई जाती है, और सबसे
लॉन्ग मसल्स यानी कि सबसे लंबी मसल्स है आपका सार्टोरियस, सबसे छोटी मसल्स है कान का स्टेपीडियस, सबसे मजबूत मसल्स है हमारे निचले जबड़े का मसेटर मसल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर मांसपेशी है दोस्तों हमारे जांग की जो पतली सी पट्टा पेशी जिसे कहा जाता है, इस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी बोला जाता है, तो ये होता है आपका सार्टोरियस। नेक्स्ट दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको पता है दोस्तों ये हमारे जो लंबी अस्थियां को खोखले भाग होती है जिसे हेवेसियन नाल कहते हैं, उसी में बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, और भ्रूण अवस्था में जो है वो यकृत यानी कि लीवर और स्प्लीन में होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के भार का कितना परसेंट भाग स्वैच्छिक यानी कंकाल मांसपेशी जो स्केलेटल मसल्स होती है वॉलंटरी मसल्स होता है उसका निर्माण होता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर का जो है 45% भाग, पूरे शरीर के भार का 45% भाग मसल्स से बना हुआ है, जिसमें से मसल्स तीन प्रकार की होती है, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स एंड कॉर्डियक मसल्स यानी कि रेखित अरेखित और हृदय पेशियां, जिसमें से जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जो स्केलेटल मसल्स होता है वो 40% उसका भाग होता है। नेक्स्ट है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान क्या है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो कौन ऊर्जा उत्पादन करता है, तो कोशिका में एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का एटीपी में यानी ऊर्जा में परिवर्तन होता है जिसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है, उस क्रिया के द्वारा 36 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों यानी लंग्स के अंदर का दबाव प्रेशर कितना होता है, बढ़े घटेगा कि बढ़ेगा, तो दोस्तों आप जानिए चाहे गैस हो चाहे वायु हो इसका जो मार्ग होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, यानी कि आपका फेफड़े के अंदर वायु जा रहा है तो इसका मतलब इसका जो रूल होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि फेफड़ों में निम्न दाब रहेगा यानी कि उसका दबाव जो है वो घटता है, ठीक है, उसका दबाव जो है क्या होगा घटता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं, तो मांसपेशियां जो हमारे शरीर को एक शेप एक सुंदर आकृति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, मांसपेशी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है फ्लेक्सर एक्सटेंशन होता है उसके कारण हमारे शरीर में हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन बढ़ता है, जिसके कारण हमारा हृदय धड़कन हार्ट रेट एंड आपका श्वास गति उस टाइम बढ़ जाता है, जिससे हमारे स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है, हृदय के आकार में वृद्धि होती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होती है, उपरोक्त सभी चीजें आपके व्यायाम पर का जो है करते हैं तो रक्त प्रवाह संस्थान पर आपका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा यानी फैट से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन सबसे जल्दी और इंस्टेंट एनर्जी सोर्स किसे कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है जो तुरंत ऊर्जा देता है, 3 से 4 घंटे में अब्जर्व हो जाता है हमारे बॉडी में ऊर्जा मिल जाती है, बट जो है जो हमारा वसा होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है बट ज़्यादा लेट से देता है, 6-7 घंटा लग जाता है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट होने में, याद रखिएगा। नेक्स्ट द्वितीयक वायु यानी सेकेंड विंड के लक्षण कौन से होते हैं, जैसे कि दोस्तों आप इससे परिचित हैं सेकेंड विंड होता क्या है, दोस्तों जैसे कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति मांसपेशी क्रिया या अभ्यास या व्यायाम के दौरान या दौड़ने के दौरान कुछ समय पश्चात उसको बेचैनी सी महसूस होता है, जैसे जो उस समय आपको लगता है कि अब हम नहीं दौड़ पाएंगे, जैसे सिर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, थकान और कुछ ऐसा लगता है
इस प्रकार के लक्षण होते हैं। अब कुछ क्षणिक समय के पश्चात स्थिति सामान्य हो जाती है, इसे ही सेकेंड विंड कहा जाता है। तो जो कुछ समय के लिए सिर दर्द चक्कर आता है, ये सभी क्या होते हैं? सेकेंड विंड के लक्षण होते हैं। तो सिर में दर्द, त्वचा पीली होना, छाती और मांसपेशियों में दर्द, ये सभी होते हैं आपके उपरोक्त सभी लक्षण होते हैं सेकेंड विंड के। नेक्स्ट दोस्तों, ऑक्सीजन ड्रिप शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो जो ऑक्सीजन डेप्ट है, ऑक्सीजन रिड का आविष्कार ए वी हिल ने किया था। ऑक्सीजन रिड होता क्या है? जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो एक मिनट में ग्रहित की गई ओटू की मात्रा को और अभ्यास के पश्चात रिकवरी के दौरान ग्रहित की गई एक मिनट में ऑक्सीजन की मात्रा के अंतर को ऑक्सीजन डेप्ट कहा जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आराम की स्थिति में आपका एक मिनट का आम हार्ट रेट ऑक्सीजन जितना ग्रहण किया गया उसको माप लिए और फिर एक्सरसाइज या अभ्यास करेंगे तो उस कंडीशन में हाँफड़ी लगेंगी। तो उस स्थिति को पूरा करने के लिए जब हम रिकवरी फेज में हाँफते हैं, पूरा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, दोनों के अंतर को हम कह देते हैं ऑक्सीजन डेप्ट यानी कि रीड। नेक्स्ट है, एयर किसके माध्यम से संचालित होता है? दोस्तों तीन माध्यम से ओनली फैलता है, एक असुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान द्वारा एंड माता के गर्भ में बच्चे को। बस इस तीन के अलावा किसी प्रकार से नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ही आपका ऑप्शन राइट होगा, रक्तदान द्वारा। नेक्स्ट है, शरीर के टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? दोस्तों तो जो हमारा पोषक तत्व होता है कार्य के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर की निर्माण करने वाले, शरीर की रक्षा करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो है कार्बोहाइड्रेट एंड वसा होता है एंड शरीर का निर्माण टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने का काम प्रोटीन करता है। और जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता रोगों से बचाता है तो वो हमारे मिनरल्स यानी खनिज लवण और विटामिन करता है। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन मन को आनंदित करने वाला, और इसके इंग्लिश में कहेंगे रिक्रिएशन। री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब क्रिएट करना, पुनः क्रिएट करना, पुनः निर्माण करना या खोई हुई शक्ति को प्राप्त करना ही मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती है? तो टिकटें इकट्ठी करना, क्रिकेट खेलना, ताश खेलना, ये सभी मनोरंजन की क्रियाएं हैं, बट योगासन करना नहीं है। नेक्स्ट है, खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है? तो दोस्तों इस बात को कहे हैं स्टर्न ने। तो खेल क्या है? स्वैच्छिक और स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। नेक्स्ट है, भारत में खेल को माना जाता है? तो दोस्तों भारत में खेल को एक कहते हैं कि उद्देश्य रहित फालतू समय क्रिया कहते हैं, यह उद्देश्य रहित क्रिया माना जाता है। नेक्स्ट, कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? तो दोस्तों फुर्ती से चलना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना, लंबी ड्राइविंग करना, ये सभी काम है, एक आनंद भी है, लेकिन धूप सेकना आपका नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? दोस्तों तो सबसे ज्यादा आनंददायक आपका कैंप होता है, वो प्राकृतिक कैंप होता है। जैसा कि आप सबके लिए प्राकृतिक कैंप ही सबसे ज्यादा आनंददायक होता है। नेक्स्ट, कैंप के खेल निम्न में से किसके अनुकूल होने चाहिए? दोस्तों हमेशा जो कैंप के प्रतिभागी हैं उनकी क्षमता क्या है और उनकी प्रतिभा क्या है, हमेशा कैंप के प्रतिभागियों के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट, कैंप लगाने के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों कोई भी चीज हम करते हैं तो हर चीज का एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य से हटकर कोई चीज नहीं करना चाहिए। तो एक कैंप लगाने का आवश्यक है, यह उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन क्या है? तो दोस्तों किसी को आप काम सौंप देंगे कि यह काम तुम्हारे अंडर है, तुम इसको करवाओगे, तो यह कैंप प्रबंधन करने से एक नेतागिरी का गुण विकसित होता है बच्चों में। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं? तो दोस्तों
यहाँ पे देखते हैं, वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए, सही है। एक अच्छे नेता में ज्ञान होना चाहिए, उसका अच्छा व्यक्तित्व पर्सनालिटी होना चाहिए, राइट है। वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधकर्ता होना चाहिए, तो मेन गुण है एक नेता का। और वह एक अनन्य शासक होना चाहिए, नहीं दोस्तों, अनन्य शासक ये आपका अच्छे नेता का गुण नहीं है। नेक्स्ट, योग आसनों द्वारा निम्नलिखित स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? तो दोस्तों, जहां भी योग आसन आए, आंख, मुंह, क्या फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आपका विकसित करता है यह, तो यह फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन विकसित करता है योगासन सभी प्रकार की। नेक्स्ट दोस्तों, श्वासन के लाभ हैं। जैसा कि जो सभी आसन करने के बाद श्वासन किया जाता है, जो एक शिथिलता आरामदायक आसन माना जाता है, यह शिथिलता प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, योग सूत्र का लेखक कौन है? तो ये महर्षि पतंजलि है जो योग सूत्र के लेखक है। इन्होंने योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कहा है, जिसमें 8 क्रियाएं हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राणायाम है? तो दोस्तों, पद्मासन नहीं है, इसको कमलासन भी बोला जाता है, समासन एक प्रकार का आसन है। त्राटक जो है यह षट क्रिया है, षट क्रिया में 6 क्रियाएं आती हैं, शुद्धि क्रिया में नेति, दूति, नौली, वस्ति, त्राटक, कपाल भाती, उज्जायी, इसमें क्या है, प्राणायाम है। नेक्स्ट दोस्तों, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है? तो रक्तचाप के लिए सबसे अच्छा जो है आरामदायक आसन जो है शवासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, ये आसन है योग हठ योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? तो दोस्तों, ये दमा यानी अस्थमा रोग के लिए ज्यादातर अच्छा होता है भुजंगासन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति में किया जाता है? तो मुख थोड़ा सा ऊपर उठता है, दोनों पैर पीछे वाला ऊपर उठते हैं, दोनों हाथ नीचे रहता है पेट के, ये होता है आपका आसन शलभासन। नेक्स्ट है, भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम कौन सा है? दोस्तों, सबसे बेस्ट मौसम होता है बसंत ऋतु का मौसम। नेक्स्ट है, LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में परा स्नातक उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कब से प्रारंभ की गई? तो उसमें प्रारंभ किया गया 1963 में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, टर्नवेरियन आंदोलन को शुरू किया था? तो दोस्तों, जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन को फ्रेडरिक लुडविग जान ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, बैरन फियरडी कोबार्डी का नाम संबंधित है, आप सबको पता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों से संबंधित है, ये आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने वाले हैं और इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम ने इंग्लैंड लंदन में किया था। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण की शुरुआत हुआ। उसके बाद YMCA जो है की स्थापना भारत में 1920 चेन्नई मद्रास में अमेरिका से आए विशेषज्ञ HC Buck यानी हैरी क्रोबक के द्वारा किया गया। इसलिए भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं हैरी क्रोबक यानी कि HC Buck। नेक्स्ट है, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो अनुकूलित अनुक्रिया यानी कंडीशनिंग रिफ्लेक्स थ्योरी दिया गया पावलोव के द्वारा, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। नेक्स्ट है, यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो इस परिभाषा को दिया है क्रुक्स और स्टेन ने। नेक्स्ट है दोस्तों, कोरोनरी धमनियां किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, जो महाधमनी निकलती है वो शरीर जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं,
तो जो पल्मोनरी धमनियां होती हैं वह सारी दोस्तों जो महाधमनी एरोटा होती है उसकी कई सारी शाखाएं निकलती हैं, जिसमें से प्रथम शाखा निकलती है कोरोनरी धमनी जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन सी धमनी करती है, तो वह करती है कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी धमनी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी धमनी। एंड दोस्तों जो महाधमनी होता है एरोटा उससे प्रथम शाखा निकलती है कोरोनरी धमनियां जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है, उसके बाद दूसरी शाखा दाईं ओर बाई कैरोटिड धमनियां निकलती हैं। जो दाईं ओर बाई कैरोटिड धमनियां होती हैं वो शरीर के सिर और गर्दन के दोनों सिरों को खून पहुंचाती हैं। फिर आपका दाईं ओर बाई सबक्लेवियन धमनियां निकलती हैं जो कंधों और भुजाओं को रक्त पहुंचाती हैं। उसके बाद एरोटा यानी महाधमनी की कई सारी शाखाएं आंतरिक अंगों में खून पहुंचाती हैं। उदर क्षेत्र में एरोटा की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं जिसे दाईं ओर बाई इलियक धमनी कहते हैं, और पेल्विस क्षेत्र में स्थित अंगों को रक्त पहुंचाती है। यही धमनियां आगे नीचे टांगों तक चली जाती हैं जहां इसे फीमोरल धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है। तो दोस्तों जो शारीरिक भिन्नता होती है अलग अलग रूप रंग आकार जो है रंग रूप ये सभी चीजें आपका अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है। तो दोस्तों आप सबको पता है मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो यह आधुनिक में व्यवहार से संबंधित है और मनोविज्ञान के जनक हैं यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम उंड। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। और खेल मनोविज्ञान के पिता हैं कोल्डमैन ग्रिफिक। एंड शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हैं थार्नडाइक। और व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम यानी लर्निंग के नियम को किसने दिया था। तो दोस्तों थार्नडाइक ने दिया था सीखने के सिद्धांत को। इन्होंने सीखने के मुख्य सिद्धांत और गौण नियम दिए थे। मुख्य सिद्धांत में आपका लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट या सेटिस्फैक्शन यानी प्रभाव का नियम इन्होंने दिया था। नेश किस प्रकार की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का सिखलाई में अधिक प्रभाव है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन एंड वह अभिप्रेरणा यानी कि आउटर मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है आपके अंदर से आती है, वह मोटिवेशन जो है किसी को देखकर या किसी के इंस्पायर करने से आता है। तो जो अभिप्रेरणा होता है सीखने में सबसे अधिक प्रभावी होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन। आप आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन से प्रभावित होकर कोई चीज काम कर रहे हैं तो उसको मन लगा के करेंगे, और अगर बाहर से प्रभावित हैं तो आपके मन में सिर्फ वही चलता रहेगा, कार्य पे कम ध्यान रहता है। नेक्स्ट है लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके किसके शारीरिक बनावट से कि मनोवैज्ञानिक बनावट से कि कला तथा योग्यता से। दोस्तों जितने भी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता है सभी चीजें में सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में लोगों की भिन्नता विद्यमान है। सबके व्यवहार अलग है, बनावट अलग है, क्रियाकलाप अलग है। नेक्स्ट है सबसे अच्छा अध्यापन यानी टीचिंग का ढंग कौन सा है। दोस्तों सबसे अच्छा अध्यापक तभी अध्यापन यानी कि जो टीचिंग का कार्य है तभी हो सकता है जब टीचर और छात्र दोनों सक्रिय हो, दोनों तत्पर हो। तो यहाँ पे दोनों तरफ सक्रियता आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है। तो दोस्तों कक्षा का जो प्रबंध है वह सिखाने वाली क्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की क्रिया सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है। तो दोस्तों ये प्रदर्शन करना जो है वह सबसे उत्तम प्रस्तुति ढंग है। नेक्स्ट है पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। तो हमेशा दोस्तों पाठ योजना आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखकर इसका आंसर दीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा।
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विधि पूर्वक और संबंधित, यानी पाठ से संबंधित, जिस चीज के लिए आप पाठ योजना बनाए हैं उससे संबंधित हो। नेक्स्ट दोस्तों, पाठ योजना के उद्देश्य होना चाहिए। जब भी पाठ योजना की बात करें तो हमेशा विषय से संबंधित रहेगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विषय वस्तु पर ध्यान देकर होना चाहिए। नेक्स्ट है, श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करता है, क्योंकि जो श्रव्य दृश्य साधन होता है यह जो हम बालक को पढ़ाते हैं तो यह पाठ को और प्रभावशाली बनाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह पाठ को प्रभावशाली बनाता है। यह पाठ को क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। तो दोस्तों हमेशा जिम्नास्टिक किसी उपकरण से सीखा जाता है, जो सबके सब प्रकार के जिम्नास्टिक के लिए अलग अलग उपकरण सामग्रियां होती हैं, तो यह सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से उत्तम प्रकार के जिम्नास्टिक कला को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है, निरीक्षण यानी निरीक्षण समझा जाता है। तो दोस्तों निरीक्षण के हम क्या करते हैं? चीजों को अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कमी है। तो यानी कि जो निरीक्षण होता है उसको एक सक्षम अवलोकन की अनुभूति होती है, अनुभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो जो लीग या राउंड रॉबिन प्रतियोगिता टूर्नामेंट होता है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के साथ खेलने का अवसर मिलता है। और लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज जॉनी बर्गर ने सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी ने किया था। और दोस्तों इसमें एक शब्द का प्रयोग होता है क्वाड, यानी चार खिलाड़ियों टीमों के मध्य जो लीग टूर्नामेंट होता है उसे क्वाड कहते हैं। और दोस्तों जैसा कि लीग टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। और लीग टूर्नामेंट में जो है फिक्सर डालने की, जो टूर्नामेंट की फिक्सर बनाने की विधियां होती हैं तीन प्रकार की, साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयरकेस मेथड। तो इसमें हम बात करेंगे सिंगल लीग और डबल लीग, दो प्रकार का होता है। यहाँ पे बोला है कि 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n(n-1)/2, और डबल लीग में सूत्र होता है मैचों की संख्या ज्ञात करने का n(n-1)। यानी अपॉन टू नहीं रहेगा, अब सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सूत्र हो जाएगा n(n-1)। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 10-1, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 × 9, यानी 10×9=90। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 90 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, 90 मैच खेले जाएंगे। अगर सिंगल लीग होता है तो 45 मैच होता है। नेक्स्ट है, एक कुशल प्रशिक्षण यानी स्किल्ड ट्रेनिंग का संबंध है। जब एक कुशल प्रशिक्षण यानी स्किल्ड ट्रेनिंग का संबंध है, उसमें त्रुटि ढूंढें और उसका सुधार करें। ठीक है, त्रुटि ढूंढना और सुधार करना। नेक्स्ट है, कुशल योजना यानी स्किल्ड प्लान प्रारंभ की जाती है। तो जो स्किल्ड प्लान होती है, जब किसी कला पर हम पूर्ण रूप से कुशलता प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद एक स्किल्ड प्लान किया जाता है कि क्या कमी है, तो उसको सुधार क्या क्या करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है। तो दोस्तों आप किसी भी चीज का हम प्रभावशाली निर्णय तभी कर पाएंगे जब उसके नियमों का हमें ज्ञान होगा। तो नियमों का ज्ञान होना सबसे अच्छा निर्णय लक्षण है। नेक्स्ट है, फॉरलेक प्रशिक्षण बढ़ाता है। दोस्तों यह सहनशीलता को डेवलप करता है, फॉरलेक प्रशिक्षण, जिसकी खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था एंडोरेंस डेवलप करने के लिए। एंड यह फॉरलेक शब्द स्वीडिश शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले, गति में किया गया कार्य। और इसमें जो है बिना पूर्व नियोजित ढंग से क्रिया किया जाता है, एरोबिक अनएरोबिक दोनों प्रकार की क्षमताओं को यह डेवलप करता है, क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दीवार को धकेलने में किसका उदाहरण है। तो दीवार को धकेलने में आपको जो पेशी की लंबाई न बढ़ रही है न घट रही है, कार्य होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है, यानी कि सेम लंबाई है, यानी आइसोमेट्रिक व्यायाम का यह एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा काम कम से कम प्रशिक्षण यानी ट्रेंड है दोस्तों, सबसे कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, गति यानी स्पीड की, ऐसे अनुवांशिक निधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है, लॉन्ग जंप, जितने भी जंप शब्द आ जाएंगे वो सभी में आपका शक्ति और गति दोनों का मिश्रण होगा, और जिसमें शक्ति और गति दोनों को मिश्रण होता है उसे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक ताकत कहते हैं, इसमें विस्फोटक ताकत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, लिम्बरिंग डाउन यानी कूलिंग डाउन कब करते हैं, तो आप सबको पता है कोई भी क्रिया या खेल खेलने से पहले हम वार्मिंग अप यानी कि बॉडी को गर्माते हैं, जिससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है और सहन क्षमता बढ़ता है, चोट कम लगती है, और जब कोई क्रिया या एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो शरीर को पुनः हम लैक्टिक एसिड को कम करने के लिए कूलिंग डाउन यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वॉकिंग करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, ये खेल के पश्चात किया जाता है। नेक्स्ट, लीड अप गेम सहायक है, तो दोस्तों लीड अप गेम जो होता है वह मनोरंजन उपलब्ध कराने तथा कला को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा अनएरोबिक ऊर्जा का प्रयोग होता है, तो दोस्तों यह फॉर्टलेक प्रशिक्षण में भी होता है, कहीं कहीं आपको अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड दिया जा सकता है आंसर, लेकिन यह फॉर्टलेक में एरोबिक अनएरोबिक दोनों प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, हृदय की दाहिने अलिंद राइट आर्टिकल से रक्त जाता है, तो दाहिने अलिंद से एरोटिक वाल्व के दोस्तों दाहिने अलिंद से ट्राइकैस्पिड वाल्व के रास्ते दाएं नीलय में जाता है, ठीक है, दाएं नीलय में जाता है, और दाएं नीलय से पल्मोनरी वाल्व के रास्ते पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, वहां से फिर पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मोनरी सिरा के रास्ते दाएं बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से फिर मिट्रल वाल्व यानी कि बाइकस्पिड वाल्व के रास्ते बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से फिर एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, जहां से शुद्ध रक्त समस्त शरीर के अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है, यहाँ फंक्शन की बात कहा है, संरचना की कार्य विधि की बात कहा है, यहाँ पे फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया विज्ञान की बात कह रहा है, खाली स्ट्रक्चर की बात करता है तो रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी होता, क्रिया विधि सब फंक्शन की बात आ जाए तो वहां पर शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जल चिकित्सा का अर्थ है, दोस्तों जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी में पानी से उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है, तो तालमेल युक्ता भी करता है, गति अच्छा आसन करता है, यहाँ पे विस्फोटक शक्ति नहीं करता है, ऐसा आंसर दिया गया है, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुआ था, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ऑल स्पोर्ट्स हिस्ट्री एंड मेजरमेंट वाले वीडियो में जाके देखिए। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था दोस्तों, तो भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया था मॉस्को रूस ओलंपिक में, जबकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में, महिला पुरुषों को और महिलाओं को 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में, और बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, 1951 नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा क्या है, तो पुरुषों के लिए 20-20 मिनट के दो पारी में खेला जाता है, 5 मिनट का मध्यांतर होता है, अब महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के दो पारी होता है, अब 5 मिनट का मध्यांतर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विषम है, तो यहाँ पे फोर्स आपका विषम है, यहाँ पे पावर टाइम और द्रव्यमान आपका दोनों सेम है, अब किस आधार पर कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे आपका सदिश अदिश राशि के आधार पर यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, तो आप सबको पता है जब अपोजिट टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर दिया जाता है तो
आउट करने वाले टीम को अपोजिट टीम को 2 अंक का लोना दिया जाता है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया कितना होता है, तो दोस्तों उसकी लंबाई होती है 6.75 मीटर। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी किसको दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। सबसे ज्यादा बार दिया गया है आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया, तो 1985 से आरंभ किया गया। यह सबसे बेस्ट प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट है कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन सा था, तो दोस्तों उदय चंद जो है सबसे पहले कुश्ती में अर्जुन अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता, तो 5 रंग होते हैं, 5 छल्ले होते हैं, 5 रंग के, नीला पीला काला हरा लाल, तो यहाँ पे गुलाबी रंग का कोई छल्ला नहीं होता है। नेक्स्ट है आधुनिक काल में किस देश ने सबसे अधिक प्रगति की है, दोस्तों तो आप सबको पता है कि वह देश है आपका अमेरिका। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ से आरंभ हुई, तो यह पटियाला से आरंभ हुई, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। ये प्रथम भारत की स्वास्थ्य मंत्री भी थी और टेनिस खिलाड़ी भी थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को क्या कहा जाता था, तो इसको टैक्सोटोज बोला जाता था तीरंदाजी शिक्षक को प्राचीन ग्रीस में। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रीस में अपोलो था, तो दोस्तों प्राचीन ग्रीस में जीएस देवता को आकाश देवता, सूर्य देवता को अपोलो देवता एंड समुद्र देवता को पोसिडियन आदि नामों से जाना जाता था, तो यहाँ पे अपोलो था सूर्य देवता को कहा जाता था। नेक्स्ट है YMCA सारी शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन थे, दोस्तों तो HC Buck यानी हैरी क्रूबक थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुशासन योजना यानी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम कब आरंभ किया गया, तो यह आरंभ किया गया 1954 ईस्वी से। नेक्स्ट है भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में आयोजित कराए गए, तो एशियन खेल की शुरुआत भारत में नई दिल्ली में 1951 से ही शुरू हुआ, लेकिन दूसरी बार भारत में 1982 नई दिल्ली में फिर से खेला गया। नेक्स्ट है ग्रीस की किसी दिन कहा जाता है, दोस्तों ग्रीस में ज्यादातर दार्शनिक जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु एंड चिकित्सक आपके हिप्पोक्रेटस आदि हुए हैं, तो ज्यादातर ये दार्शनिक की देन कहा जाता है ग्रीस की देन। नेक्स्ट है प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्न में से किस अवार्ड से नवाजा गया था, तो दोस्तों प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बेहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अंक्रियाओं के साथ है, तो इस परिभाषा को दिया था दोस्तों आप सबको पता है वेरी फेमस परिभाषा है JB Nash का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार के विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है, तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है शारीरिक और मानसिक सामाजिक सभी प्रकार के विकास करना, और शिक्षा का लक्ष्य होता है मानसिक विकास करना, तो साझा लक्ष्य क्या है दोनों का, मानसिक विकास। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो दोस्तों इसकी आवश्यकता लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है, तो लोग समझ लेते हैं कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यही लोगों की गलत धारणा है, जबकि शारीरिक शिक्षा केवल व्यायाम ही नहीं है, यह सभी प्रकार की व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का संबंध है,
दोस्तों इसका सबसे ज्यादा संबंध है स्वास्थ्य शिक्षा से, ठीक है, किससे है, स्वास्थ्य शिक्षा से। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है यानी फिजिकल फिटनेस है वह क्या करता है, यह एक गुणवत्तापूर्ण जीवन बिताने के लिए हमारे लिए सहायक होता है। फिजिकल फिटनेस होता क्या है, फिजिकल फिटनेस होता है डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी डेली का जो वर्क है बिना थकावट के संपन्न करना और आपातकाल के लिए अतिरिक्त ऊर्जा भी बचाए रखना, उसी को फिजिकल फिटनेस कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता, तो दोस्तों गहरी निद्रा आराम डालता है, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन ये सभी डालता है, जबकि लिखाई पढ़ाई नहीं डालता। नेक्स्ट है खेल समाज शास्त्र का संबंध है, तो समाज शास्त्र जब भी बात आए तो समूह शब्द या समूह के आपसी तालमेल से, तो खेल समाज शास्त्र का संबंध है समूह की आपसी तालमेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है, तो यहाँ पे प्रतिदिन व्यायाम करना भी करेगा, खेल खेलना भी करेगा, योगासन योग व्यायाम करना भी करेगा, बट शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना पढ़ना नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का महत्व है, स्वास्थ्य का क्या महत्व है दोस्तों, जो हमारे स्वास्थ्य का यानी फिटनेस का क्या महत्व है, तो यह अच्छे जीवन यापन में क्या करता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर यानी जन्म के पहले से ही विद्यमान होता है, तो यह हमारा होता है खेल, जो है एक प्रकार का सांस्कृतिक धरोहर है, बचपन से ही इंसान चलना खेलना कूदना फूदना एंड उछलना ये प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो दोस्तों यह मानव क्रियाओं यानी कि गति विज्ञान से है, यहाँ पे मानव क्रियाओं से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गति के तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है, आपने सबको पता है कि न्यूटन ने तीन गति के नियम दिए हैं, जड़ता का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो तीसरे नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है गति के नियम का प्रतिपादक कौन है, तो न्यूटन है। नेक्स्ट है दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है, तो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है एफ ए आर 312, ठीक है, एफ ए आर 312। तो यानी कि एक के ऊपर आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है फोर्स रेसिस्टेंस के, एंड दूसरे प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के, एंड तीसरे प्रकार के लीवर में फोर्स यानी बल बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। यहाँ पे दूसरे प्रकार के लीवर में पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे प्रकार के लीवर में क्या है, रेसिस्टेंस यानी भार जो है वो एक्सिस और फोर्स के बीच में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस जो है आधार और बल के बीच है यानी एक्सिस और फोर्स के बीच में है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक कौन से होते हैं, तो आप सबको पता है तीसरी श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं वो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसमें फोर्स बीच में होता है रेसिस्टेंस और एक्सिस के, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को गति का लीवर भी कहा जाता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को बल का लीवर, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को गति का लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है, जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों वो बल व गति दोनों को बढ़ाने के योग्य है। नेक्स्ट है संतुलन निर्भर करता है, जो बैलेंस होता है वह हमेशा जिसका जो सेंटर ग्रेविटी पॉइंट जो होता है गुरुत्व केंद्र जितना नीचे रहेगा उतना ही अधिक संतुलन रहेगा, और वस्तु का जो आधार रहेगा जितना चौड़ा रहेगा उतना ही आपका संतुलन अच्छा रहेगा,
तो दोस्तों जैसा कि वस्तु के चौड़े आधार पर संतुलन निर्भर करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो महिलाओं का जो गुरुत्व केंद्र होता है पुरुषों की अपेक्षा नीचे होता है, उनके जो हिप वाला भाग होता है ज़्यादा चौड़ा होता है, इस कारण महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा संतुलन वाली क्रिया ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों काइफोसिस विकृति को कहते हैं। तो काइफोसिस जो हमारा पिछला वाला भाग होता है वक्ष वाला भाग वो पीछे की ओर निकल जाता है, और जिसे काइफोसिस या कुबड़ा या गोल कमर या हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोल कमर। नेक्स्ट है मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन यानी स्कोलियोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है एवरेजन चोट है। तो दोस्तों एवरेजन जो है जो हमारा रगड़ लग जाता है गिरने पर सूखे मैदान पे, यहाँ पे त्वचा की चोट है। ठीक है, लिगामेंट जो है हड्डियों को दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, और टेंडन जो है कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट है मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा और तुरंत उपचार क्या है। दोस्तों जितने भी एथलेटिक प्रकार की चोटें हैं स्प्रेन स्ट्रेंट ये सभी के लिए जो बर्फ से उपचार है, सबसे पहले ठंडी चिकित्सा क्रायोथेरेपी किया जाता है यानी बर्फ से उपचार। नेक्स्ट है हड्डी टूटने का तुरंत उपचार क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उसके हलचल को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, हलचल को बंद करते हैं, जैसे कि कप्पी और आईसीई पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे थंब रूल कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा का। नेक्स्ट है जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। तो दोस्तों जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है वजन के साथ अधिक बैठक करना। ठीक है, वजन के साथ अधिक बैठक करना। नेक्स्ट है पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या है। तो दोस्तों घुटने मोड़कर सीटअप लगाना एंड पोर्टियल कर्ल ऑफ, ये दोनों चीजें आपका पेट की मांसपेशियों के विकास के लिए व्यायाम होता है। पोर्टियल कर्ल ऑफ आपका बीपीएससी TI2 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है। तो दोस्तों जो गति करते समय गति में मुख्य भूमिका अदा करती है उसे एगोनिस्ट बोला जाता है, जो उसके विपरीत गति होती है उसे एंटागोनिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्न में से प्रथम समूह कौन सा होता है। तो समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से प्रथम समूह हमारा परिवार होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल का वजन कितना होता है। तो 396 से 454 ग्राम होता है, यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर दे दिया है दोस्तों 410 से 450 ग्राम, जिसकी रियलिटी होता है 396 से 454 ग्राम। नेक्स्ट है 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों 40 मीटर होती है महिला पुरुष दोनों के लिए। नेक्स्ट है गोला फेंकने के सेक्टर का कोण कितना होता है। दोस्तों चाहे आपका गोला फेंक हो आप याद रखिएगा यहाँ पे 34-92 डिग्री आपका राइट होगा। तो गोला फेंकने के सेक्टर का कोण 60 फुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, तीनों के फेंकने का सेक्टर का कोण 34-92 डिग्री होता है, जबकि जेवलिन थ्रो का 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पॉस देने में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों उसके लिए हम दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी जो है थोड़ी दूर पर खड़ा हो तब दिया जा सकता है। नेक्स्ट है लेट शब्द का प्रयोग होता है। तो लेट शब्द का प्रयोग जो है टेनिस और टेबल टेनिस में होता है, यहाँ पे टेबल टेनिस साइट होगा। नेक्स्ट ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। तो बैन पियर डी कोबर्टिन ने पुनर्जीवित किया सभी राष्ट्रों सभी देशों के बीच क्या करने के लिए, राष्ट्रों के बीच सौहार्द समझ और भाईचारे को बढ़ावा का निर्माण करने के लिए आधुनिक ओलंपिक खेल को पुनः जीवित किया गया। नेक्स्ट ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं।
तो यह दोस्तों पांच अलग अलग छल्ले जो है वह दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। पांच छल्ले पांच रंग के नीला पीला काला हरा और लाल होते हैं, जिसमें जो है ये पांच छल्ले ए डब्लू आकार के दिखाई देते हैं, अंग्रेजी के डब्लू आकार के दिखाई देते हैं। तो ये जो पांच छल्ले होते हैं नीला पीला काला हरा लाल, जो नीला होता है वो नीला जो होता है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक होता है, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक होता है, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक होता है, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक होता है, लाल एशिया लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक होता है। ये पांचों छल्ले जो है दुनिया की एकता को, पांच महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के खेल का स्थान क्या था? तो 2000 ग्रीष्म ओलंपिक था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, जिसमें कौरव मल्लेश्वरी ने पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी कुश्ती में जो है कौरव मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, कौरव मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। अजीब बात है यार। तो दोस्तों ग्रीष्म ओलंपिक 2000 सिडनी ओलंपिक में कौरव मल्लेश्वरी जो है वह ओलंपिक में भारत की प्रथम महिला पदक विजेता बनी, वो भी भारोत्तोलन में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में 69 केजी वर्ग में, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने गलती से कुश्ती बोल दिया था दोस्तों, सॉरी इसके लिए। ये भारोत्तोलन में भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला विजेता बनी कौरव मल्लेश्वरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो यह 1991-92 से शुरू किया गया, 1991-92 से शुरू किया गया। अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो दोस्तों यह फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पहले। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 131 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। इसी तरह आप डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों एंड सोशल मीडिया जहाँ पे भी आपका आईडी है वहाँ पे शेयर करते रहिए, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।